गाइस, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर आए हैं और आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेलवे कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मेट्रो ओरिजिनल वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी हमारे और अरे ये कैसे अच्छा इसके शीशे वगैरह सारे ब्लैक थे ये प्राइवेसी के लिए सही है और अच्छा भी लग रहा था वरना अंदर सारे नजारे यहाँ लग ही नहीं रखे ये इसका ओरिजिनल व्यू है प्लीज हमें बताइएगा क्योंकि ये बहुत मॉडर्न है हमने ये नहीं सोचा था ग्रीन लैंड तो पाकिस्तान में भी है अच्छा हाँ ये पाकिस्तान ही है हमारे देखो ब्लैक ही है शीशे हाँ उसी तरह लग रहा है अरे वो बेचारे अंकल के से बेचे शीशे ब्लैक ही है लेकिन खिड़कियाँ तो बड़ी छोटी हैं ब्रांडिंग कितनी जबरदस्त की है यार दरवाजा भी क्रिकेट बना दी यार ये काफी ये नहीं शहर लग रही है ये मेट्रो लग रही है मुझे आई थिंक ये भी अंडरग्राउंड चल रही है क्योंकि बहुत जल्दी खुली और जल्दी बंद होगी ये भी मेट्रो है इसमें ज्यादा बातचीत नहीं है सिर्फ इसलिए हम लोग बोल रहे था कि आप लोग ज्यादा बोर ना हो क्योंकि हमें अक्सर कमेंट यही आते हैं कि चुप रहा करो काफी पाबंदी से अच्छा ट्रेन कहीं नहीं पता चला कि आगे कौन सा पीछे कौन सा बस नहीं की जैसे नहीं बस जा चल रही होती है वो जगह ये तो मुझे मेट्रो लग रही है सारी अगर ये ट्रेन है तो ये बहुत जबरदस्त कर दी है क्योंकि ट्रेन को भी पुल के ऊपर बना दिया है तो ये मेट्रो ही होती है इन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ इसको ही मेरे हर चीज हर चीज क्लीन है शार्प लुक वैसे एक मिनी हैदराबाद पर तो वहाँ भी है पाकिस्तान में भी है अगर आप हैदराबाद वर्सेस हैदराबाद की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर इंटरेस्टिंग है यार बहुत ज्यादा बच्चे बोलेंगे हम ऐसी ट्रेन में जा रहे हैं जहाँ से मेट्रो थी मेट्रो फोर्टीन मेट्रो एक ही अभी
होती है कि मतलब पैदल ही उससे जल्दी हाँ। ये अभी सिर्फ यहाँ पार्क्स में होती है। हाँ हमारे पार्क्स में बस वो मॉन्यूमेंट के वो यहाँ खत्म हो खत्म कर दिया मोनर माय फेवरेट। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये फ्लोट करती हैं या इसके साथ भी कुछ इसी तरह मैकेनिज्म बनाया कि तिलक तो इसी तरह है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी जो जिस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि पहले ट्रेन फिर मेट्रो फिर उसके बाद मोनोरेल्स वगैरह और जो इंडिया है वो बहुत आगे है रेलवे में और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम दोनों की इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेन है वो इसी तरह अपडेट होती रहे। लेकिन जो ट्रेन में हमें भी थोड़ी सी ट्रेन में हम लोग इतना वो नहीं हुए काम अभी काम चल रहा है शायद और मेट्रो ट्रेन या इस तरह की ट्रेनें पाकिस्तान में भी आए इन फ्यूचर तो फिलहाल तो हम सिर्फ वो कर सकते हैं कि शायद आज फ्यूचर में तो अभी तक तो नहीं है और इसी तरह जैसे मोनो रेल मैं पहली दफ़ा देख रहा था इससे पहले मैंने नहीं देखी थी तो शायद हम फ्यूचर में ट्रेन पाकिस्तान आ जाए तो ये बिल्कुल चीज़ ये एक बात है कि मिसाल इंडिया की अभी एक सूरत है ना आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जितने ज़्यादा ट्रेन जो ना वो उतना ही अच्छा है मिसाल हर सिटीज जो है वो एक मिलियन मिसाल बहुत ज़्यादा ऊपर है तो इस लिहाज से देखा जाए ना तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाल फिर आबादी की पॉपुलेशन नहीं है तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो ट्रेन वहाँ बहुत अच्छी थी और उसका एक रीज़न ये है कि पॉपुलेशन बहुत है और पॉपुलेशन बढ़ जाए तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अभी तो पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में इस चीज़ की मिसाल इतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन चाहे तो बेहतर हो सकती है ट्रेन तो बेहतर हो तो इंशाल्लाह फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह करिएगा तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।